ये हैं छोटू मिश्रा, आज इनके बिजनेस की सालगिरह है। आपको लग रहा होगा कि ये हैं जिम्मेदार, समझदार और काफी होशियार, पर हमेशा से इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। कुछ काम कर लिया कर, ख्याली पुलाव पकाता रहता है सारा दिन। जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी अपने पैसों से। छोटू मिश्रा को हमेशा से ही कुछ अपना करने का बहुत मन था। देखिए, अरे पापा ये नौकरी ना हो पाएगी हमसे। अरे धंधा करना भी कोई सबके बस की बात है क्या? शेख चिल्ली के सपने देखता रहता है सारा दिन। अरे हवा में महल तो कोई भी बना ले। अरे घर से बाहर निकलो, नौकरी ढूंढना, तब पता चलेगा क्या। हर तीसरे दिन छोटू एक ही बात कहता। अच्छा सुनो, एक नया बिजनेस आइडिया आया है। मैं ना एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जिसमें आप जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जो सीखना चाहो सीख सकते हो। और इस ऐप की सबसे यूनिक बात यह है कि एक बार जो आपने पढ़ लिया ना और उसे सीख लिया, तो उसे पढ़ा के उसी चीज से पैसे भी कमा सकते हो। अरे फेसबुक चला तो तुमने खुद छुटकी से सीखा है। नहीं चला तो क्या करेगा? इस आदमी के चक्कर में मेरी पगार भी फंसेगी। सड़क पे लाके छोड़ेगा ये लड़का। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? तुमसे ना हो पाएगा भैया। मैं नौकरी कर ले नौकरी। हे ऊपर वाले, नए नए आइडियाज लाकर थक गया हूं। अब आप ही बताओ क्या करना है। अब फिर यूं समझो कि ऊपर वाले ने छोटू की सुनी। तीस दिन में कमाई चालू? सच्ची? अच्छा, पर देखने में तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ओके फिर क्या था? चंद हफ्तों में शुरू हुई द न्यू शॉप की फ्रेंचाइजी और पूरा हुआ छोटू का बिजनेस करने का सपना। द न्यू शॉप, बिजनेस करने का सबसे नया तरीका। फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज आर नाउ ओपन।